ये मीम बन सकता है भाई। हाँ, ये क्या देख लिया मैंने। Hey guys, welcome back again to the channel. आज हम लेके आए आपके लिए एक और मजेदार, लज्जतदार और ताजा ताजा वीडियो। रिएक्ट करेंगे आज हम होली रिटर्न्स पे, जो कि आशीष चंचलानी वाइन्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है मात्र एक घंटे में 1.1 मिलियन व्यूज के साथ, जिसमें उसको ऑलमोस्ट 3.5 लाख लाइक्स भी आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज इस वाले वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि आशीष चंचलानी के अराउंड 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स इस साल के एंड तक हो जाएंगे, अगर इसी स्पीड में वीडियोस डालता रहा तो फॉर श्योर। खैर, जितने भी आशीष चंचलानी के फैंस हैं, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड एंजॉय द रिएक्शन वीडियो विद मी, एंड वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो चलो सीधा वीडियो पे आते हैं और लेट्स एंजॉय एंड हैप्पी होली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, टू माय यूट्यूब फैमिली, टू माय लव्ड वंस, माय डियर वंस एंड द वन हु सपोर्ट मी ऑलवेज, सो थैंक यू फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है, मतलब इसमें जो कुछ भी दिखाया उसे प्लीज रियल लाइफ में ट्राई ना करें, वरना आपकी जान और जेब दोनों को खतरा होगा। और हाँ, ये पीछे जनरेटर की आवाज को इग्नोर करो, हमारे इधर लाइट गई हुई है। क्या रियलिस्टिक है यार ये। आज उसके माथे पे गुलाल के बदले सिंदूर लगा दूंगा, फिर वो मेरी होगी, सिर्फ मेरी। मैं आ रहा हूं कांता। अरे वाशु, तुझे कैसे पता चला मेरा डिवोर्स हो रहा है? अरे यार, डिवोर्स ही हो रहा होगा ना बेटा, तभी तो तू इतना बन ठन के अपने बाप की दूसरी शादी पे जा रहे है ना। अरे नहीं मम्मी, एक्चुअली मैं होली मनाने जा रहा हूँ। जूमिया प्ले बॉय, लेट्स प्ले होली। प्ले बॉय, अरे वाह, मेरा राजा बेटा होली खेलने जा रहा है, लेकिन बेटा बेटा कुछ मिसिंग नहीं है, है ना? तू काम करना, जूते भी नए पहन ले, नई घड़ी पहन ले, मैं अपने जेवर देती हूँ, कंगन देती हूँ, कंगन पहन के जा, सीमा तेरा मेकअप कर देगी, पूरा लुक हो जाएगा बेटा। अरे क्यों मजाक कर रही है मम्मी? तो मजाक शुरू किसने किया? मैंने किया। इतने नए कपड़े पहन के तुम्हें होली खेलने जा रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे हमारे घर पे तो पैसे पेड़ पे उगते, ये डायलॉग नहीं मारूंगी। हमें तो भगवान जीपे से डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करता है ना, नल खोलती तो 20 के सिक्के निकलते हैं ना, कार की डिक्कियों में 5,000 के नोटों की गड्डियां होती है ना। 5,000 का कौन सा नोट होता है? तो हमारे पास भी कौन सी कार है बेटा? चुपचाप ऑप्शन दिखा दू। ठीक है यार मम्मी, एक मिनट चेक करता हूँ, एक मिनट। ये पहनू? ये अभी तो लिया 4 दिन पहले। ये पहनू? ये अभी तो लिया 4 महीने पहले। ये पहनू? ये अभी तो लिया 4 जन्म। अरे तो सब अभी लिया है, तो क्या पहनू मम्मी, क्या पहनू? ठीक है बेटा, कुछ और निकाल निकाल, कुछ और निकाल। एक काम करता हूँ, ये पापा की पुरानी शर्ट पहन दो, ठीक है? ये अभी तो लिया ना। अरे ये कैसे अभी लिया है? तो पापा की पुरानी शर्ट है, ये कैसे अभी लिया है मम्मी? ये शर्ट पुरानी कितनी है? 15 साल। तुझे पापा ने कभी दी? सुबह। तो अभी तो लिया ना 4 घंटे पहले। अरे यार गुड वन। मम्मी एक काम करता हूँ, मैं दादाजी की, बाबा आदम के जमाने की चूहे खाई हुई सूट पैंट पहन के जाता हूँ, ठीक है? तू क्या राजा मौली के साथ ऑस्कर में होली खेलने जा रहे हैं जो सूट पैंट पहन के जाएगा? कुछ और दिखा। ये पहन के जाऊ मम्मी? अभी तो लिया। हाँ, मालूम है अभी लिया, मैंने बोला अभी नहीं लिए। हाँ अभी लिए, लेकिन मम्मी ये सिर्फ 100 रुपए की है। 100 रुपए? 100 रुपए की कीमत मालूम है तुझे? अरे जब तेरा बाप तेरी उम्र का था, उसने तेरे छोटे चाचा को 100 रुपए के लिए बेच दिया था। मम्मी आपने कभी बताया नहीं मेरे छोटे चाचू थे? तूने कभी अपने छोटे मामा के बारे में सुना है? अच्छा तो मामा के साथ क्या हुआ था? उन्हें क्या सॉक्स या रुमाल उमाल के लिए बेच दिया था क्या? चुप कर। सॉरी मेरे 100 रुपए वाले चाचू, अब उसका बट्टा आराम करो। ये पहन के जाऊं? ये वैलेंटाइन पे काम आएगा बेटा। ये पहन के जाऊं? ये तेरी शादी में हल्दी में काम आएगा बेटा। ये पहन के जाऊं? ये तेरे बच्चों के स्पोर्ट्स में काम आएगा बेटा। अरे तो एक काम करता हूँ, ये बनियान पहन के जाता हूँ मम्मी, बनियान पहन के जाता हूँ। अरे खराब हो जाएगा, धोने के बाद भी हफ्ता हफ्ता कलर नहीं निकलेगा। अरे तो मम्मी होली के बाद बनियान फेंक दूंगा ना। मैं बनियान की नहीं तेरी बात कर रही हूँ। ये ले ये पहन। एंड में बोलेगा मुझे होली खेलनी ही नहीं है। ये कब की टी शर्ट है मम्मी? ये तेरी 1 साल पुरानी टी शर्ट है। 1 साल पहले तो मैं इतना नहीं था। अरे जब तू एक साल का था। की टी शर्ट है ये। अच्छा कहाँ पहनू मम्मी ये? अरे पेट अंदर करके पहन बेटा, हिम्मत तो कर। ठीक है मम्मी तू कहती है तो पहनता हूँ। पहन पहन। नाना बेटा तू ये नहीं पहन सकता। अच्छा क्यों मम्मी, मैं ये क्यों नहीं पहन सकता? क्योंकि अभी अभी तो ये नया पोचा बना है, कुछ पुराना पहनना। मेरे को होली खेलनी नहीं, नहीं है। अरे बेटा नाराज नहीं होती बेटा, बेटा माँ बैठी है ना, मैं तेरी मदद करती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ। बोरा तो नहीं पहना देगी कहीं? अरे यार पत्ते।
बकरी आई। The legends। मैं हूँ बियर मैक ग्रिल्स और मैं देश की सबसे रंगीन फेस्टिवल होली पे बड़े बड़े खतरों का सामना करता हूँ, जहाँ जिंदा रहने से जुड़ी तकनीकें जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। ठंडाई, मैं ऐसा जोखिम फिर कभी नहीं उठाऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि होली के इस जंगल में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। Man versus Holy with Beer McGrills. Beer McGrills. Man versus Holy के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं आपको भिन्न भिन्न प्राणियों की MMS दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा। Oh my God, वो देखिए, हमने हमारी सबसे पहली प्रजाति को स्पॉट कर लिया है। ये है होली किंगडम के एम्फीबियंस, क्योंकि ये रंगों वाले दिन भी पानी वाली होली खेलते हैं साले। कईयों का तो ये मानना है कि ये प्रजाति पैदा ही इसलिए होती है ताकि दूसरी प्रजाति के लोग इन पे कलर लगा सके। अरे ये वो रफ बुक है जिसे सारे नर्ड्स अब्यूज करते हैं। अरे ये वो तौलिया है जिसे सब अपना बदन पोंछते हैं। अरे ये वो खुली सड़क है जिसमें हर कोई मूत के जाता है यार। ओ माय गॉड, अबे स्टीवन स्पीलबर्ग कैमरा उधर करना, कितने रिएक्शन दूं देखना। इस कंक्रीट जंगल में हमें दूसरे जीव के दर्शन भी हो गए। ये है होली किंगडम के कार्निवोरस एनिमल्स। ये नर अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। अरे अगर इन लॉन्डो को साथ खड़ा कर दो तो दुनिया वालों को बेशरम रंग दिख जाए। इन लॉन्डो को साथ खड़ा कर दो तो रेनबो ब्रिज बन जाए। अरे इन लोगों को साथ खड़ा कर दो तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी कलर हो जाए। ये खूंखार प्राणी धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं और इस शिकार को इस बात की ठरक तक नहीं है। अबे भनक, सॉरी, इस शिकार को इस बात की भनक तक नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। और ये आदमखोर प्राणी ने इन्हें दर्पण से गबोच लिया है और ये क्लीन बोल्ड और ये मैच की समाप्ति होती है। ये क्या देख लिया मैंने, ये मीम बन सकता है भाई। ये क्या देख लिया मैंने भाई, ग्लैमर ना हो तो कैसे बात बनेगी। ये क्या देख लिया मैंने। ये जंगल के कीचड़ में कमल कहाँ से खिल गया। ये है मादा प्रजाति जो लुखे लौंडे आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाते, वो भी होली के दिन निकलते अपने गुफा से इनको रंग लगाने के लिए। वैसे तो पूरा साल मेकअप से होली मनाती है, लेकिन आज के दिन अगर चेहरे पे दो बूंद पड़ जाए तो इनके स्किन के डाइटिशियन को रात को नींद नहीं आती, क्योंकि इनके सपने में डोर मामू आके मुजरा करता है ना। अगर अभी जाके इनके मुंह पे हरा रंग लगा दूं ना, मैं ऐसा झापड़ खींच के मारेगी। लेकिन उसी की जगह अगर मैंने धनिया पाउडर की पूरी बोरी इनके सर पे उल्टी कर दी तो मुझे कहेंगी, ओ भैया थैंक यू सो मच फॉर द हर्बल कलर्स। इसीलिए इन्हें हर्बीवोरस प्रजाति भी कहा जाता है। अब मैं आप सबको मिलाने वाला हूँ दुनिया के सबसे विचित्र जानवरों से। पर्सनली ये मेरी सबसे फेवरेट प्रजाति है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे हार्मलेस प्रजाति है। और ये है भांग पीने वालों का झुंड। ये होली किंगडम के ओमनीवोरस एनिमल्स है, क्योंकि नशे के चक्कर में ये हर जगह ओमनी प्रेजेंट रहते हैं। भांग पीने के बाद ये हर मल्टीवर्स से होली मनाते हैं। आज अगर आपको ये होली के गाले में इसको पी रहा है, उसको खा रहा है, नाले में मिलेंगे। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? 25 साल। आप रहते कहाँ है? 6:30 बजे। कितनी भांग पी है? दादर स्टेशन। ये साल का इलेक्शन कौन जीतेगा? दाल चावल। देखा आप लोगों ने, इनके जवाब में इतना दम था कि मुझे मेरे सवाल ही गलत लगने लगे। ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी होली। राकेश खन्ना, योरसेल्फ। गुड वन। सेक्टर 4 के इस खूंखार इलाके में आप बच के रहिए, क्योंकि कोई भी जानवर कभी भी आपकी मिर्ची चबा सकता है। अरे अगली प्रजाति मिल गई, आई आई आई। ये है होली किंगडम के कोल्ड ब्लडेड एनिमल। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ दिखने में खतरनाक होते हैं, एक्चुअली खतरनाक नहीं होते। इनफैक्ट ये तो बेचारे रंग पीड़ित प्राणी है। मैं आपको बताऊं कैसे। 8 साल पहले एक रंगबाज आदमी ने नीले कलर में केरोसिन मिलाकर इन पर लगा दिया। कलर तो हफ्ते में निकल गया, लेकिन केरोसिन इन पर रह गया, इसलिए आज तक ये ऐसे ही दिखते हैं। हकीमों की माने तो ये कलर अब सिर्फ जलाने के बाद ही निकलेगा। आइए इस भद्दे से जानवर से कुछ बातें करते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? अवतार। काम क्या करते? ब्लू फिल्म में काम करते। क्या? अरे मतलब एनिमेशन वाली फिल्म होती है ना, उसमें ब्लू स्क्रीन लगती है, ग्रीन स्क्रीन लगती है, पूरा दिन रुकना पड़ता है वहाँ। पैसा कितना कमाते? 50 रुपया। 50 रुपया दिन का? अरे भैया तो एक काम करो ना, आप ये प्रोमोशन, ये इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेड।
नहीं टॉपिक है नहीं कर रहा हूँ रुपए जीत नहीं ये मैं ऐप तो डाउनलोड कर आप लोगों को एक ऐसी प्रजाति से मिलाने वाला हूँ जो इस देश की नहीं हम नहीं कर रहे हैं सबसे खतरनाक प्रजाति है ये होली किंगडम के एपेक्स प्रेडेटर्स है प्रेडेटर्स अरे आतंकवादी भी इन लोगों से डरते हैं डायनासोर की पीढ़ी को खत्म करने वाले लोग यही थे अरे इनकी वजह से हमारे देश में हॉरर फिल्में बनना बंद हो गई है क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं ये है नहीं ये नहीं ये है हमारे एपेक्स प्रेडेटर सिल्वर सर्फरों का झुंड इन लोगों ने जो हमारे देश में दहशत फैला के रखी है होली पे लोगों ने होली खेलना ही छोड़ दिया है अगर सेंसस की माने तो इनसे ज्यादा घटिया नीच वाहियात जाहिल चोर छपरी पान की चमकीली टपरी कोई नहीं है ये साले बाबा इलायची के दानों ने हमारे देश का नाश कर रखा है अरे मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि बटन अरे भागो अरे मिलते हैं मैन वर्सेस होली के आपके लिए अगले एपिसोड में तब तक सतर्क रहे सतर्क रहे और अपने साफ सुथरे घर वालों को इन जानवरों से दूर रखें साइको दोस्त मेरे लाइफ में भी बहुत साइको है भाई दोस्त लोग दिमाग से पैदल भाई ओ नहीं मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे मैं अभी आ गया हूँ अब तू कभी ना नहीं पाएगा तू कॉल कर रहा क्या कर हेलो आज होली है मुझे तो मालूम ही नहीं था भाई हैप्पी होली अरे मेरी होली तो तब हैप्पी होगी जब तू मिलेगा मेरे हाथों में आएगा यार जादू तू हर होली ऐसी अजीब बातें क्यों करता है यार इट्स सो वियर्ड आई डोंट नो याद है 18 मार्च 2003 1:13 पर जब हम 4th स्टैंडर्ड में थे तूने मुझे पानी मारा था यार पानी तो मारा था बॉटल के साथ मारा था यार बॉटल ही तो मारी थी बॉटल कांच की थी यार कांच ही तो मारा था इतना क्या बुरा मान रहा है यार उस दिन के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी घर छोड़ दिया गर्लफ्रेंड छोड़ दी अपने बच्चे छोड़ दिए जब इतना कुछ छोड़ ही दिया है तो पुरानी बातें भी छोड़ देना भाई इतने सालों से मेरे सीने में इंतकाम की आग उबल रही है तो इनोले और 6 सेकंड में काम खत्म कर मेरे पीछे क्यों पड़ा है उस दिन के बाद से मैं पागल हो गया हूँ पागल अरे यार हेलो हेलो साले तू 4th स्टैंडर्ड से नहीं तू पैदाइशी पागल था ये तो अच्छी बात है मैंने कांच की बोतल तेरे सर पे फोड़ी सोचा ठीक हो जाएगा साला और पागल हो गया इस सारे बेरोजगार मेरे को ही मिलने थे हट फंसेगा ये भाई बदला लिया जाएगा इससे बदला अरे, अरे, अरे। कौन मारा बे अरे अरे बेचारा हेलो डू यू फील वेट इनफ बेबी अरे यार जादू तू मेरे क्यों पीछे पड़ा है छोड़ दे यार हेलो पड़ेगा ओके Of now. Oh shit. 3, 2, 1 meri jaan. Yes. You're next. जादू तूने अभी तक ग्रामर नहीं सीखा यू आर नेक्स्ट होता है नेक्स्ट नहीं क्या करूं ओ एसिड व्हाट द फक बे साले पागल आदमी तेजाब क्या फेंक के मारे दिमाग खराब हो गया क्या ये तेजाब नहीं मेरा पेशाब है 4th स्टैंडर्ड से मैंने पेशाब नहीं किया आज के लिए ताकि मेरा पेशाब से तेजाब तुझे जला दे मुझे कुछ नहीं मार सकता बेचारा जा ही नहीं पा रहा यार बाहर
पिट गया पिट गया पिट गया पिटा भाई पिटा 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 गाड़ी गई। ओ फुल ग्रेनेड जैसा निकाल रहा है और ग्रेनेड जैसा ही मारा। ये ज्यादा हो गया थोड़ा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया भाई। अबे क्या दिमाग दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? गुब्बारे में क्या आरडीएक्स डाल के फेंक रहे? क्या है तू? क्या डार्क नाइट का जोकर है? क्या होता साल? अरे अरे बाप रे पिल्ली आई ये पिला क्या ये लेगा ये भाई? थप्पड़ चुप रे, तू क्या करता है? जा उसको काट। ये भी बंद कर दे। निकला, क्या माँ कर रहा है भाई? नहीं, वो भी ऐसे फेंक रहा है यार। एक साल के बाद ओके अब सुधर गया है क्या? नंबर ओके। Do you feel dry enough, baby? आशीष चंचा, इसको लगा वो मर गया है। आशीष जिंदा है। एक साल लग गया इसको बाहर आने के लिए, कुछ भी। अब ये पागल हो गया भाई। अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम गीला होने वाला है। मम्मी मम्मी सुनामी आने वाली है, घर खाली करो मम्मी। स्कूल, अरे सब क्लीन शेव्ड हो गए, जादू भी क्लीन शेव। पटियो, अरे बाप रे, क्या ये? सर पानी। स्कूल में पानी पीने आता है कि पढ़ाई करने आता है? क्या कहा था मैंने? हाँ, होली के दिन में स्कूल में ना पानी अलाउड है ना पानी की बोतल। सर प्यास से मर जाऊंगा मैं सर। अरे अफ्रीका में गरीब बच्चे अपने आंसुओं से नहा रहे हैं और तू प्यास जैसी फालतू चीज के लिए पानी वेस्ट कर रहा है? गेट आउट, नॉट अलाउड। अरे 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 क्या सर, मेटल डिटेक्टर? वाटर डिटेक्टर। ओहो कुछ तो है अंदर। ये क्या है सर? आपने बोला था पानी का बोतल मत लाना, तो मैं पानी को फुग्गे में भर के लेके आ गया। अच्छा सर, वैसे भी मैं स्कूल का मोटो है ना, बैन प्लास्टिक। बैन के भाई, ये क्या लोहे का बना हुआ है? क्या बात कर रहे हो, ये प्लास्टिक होता है? मेरे को मालूम नहीं था सर। वैसे ये स्कूल कहाँ अच्छा पढ़ाता है सर? कॉमेडी कर रहा है? हुई 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 कमेंट करूं? हां अगले एक साल तक सारा बाथरूम स्कूल का तू ही साफ करेगा, समझा? बिना पानी के। सॉरी सर। गेट लॉस्ट। कह रहे शाहरुख जैकेट पहन गया है क्यों? सर आज कितनी ठंडी है सर। ए देवदास नंगा हो चल। लगता है सर आज मूड में। ए छी, कौन ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं? हट। अबे तेरी तो ए रुक साला, ऐसे कर गए हो ना? रुक, इसके पास कुछ नहीं रहेगा भाई। स्कूल में रंग बेचने आया क्या? सर शक्ल पे क्यों जा रहे हो? अबे तेरी शक्ल पे जाता तो टमाटर और अंडा छोड़ बोलता मैं। बोला मैंने नहीं ना। बैग किधर तेरी? ये क्या सर? ये बैग। ये बैग है क्या? इसमें बुक्स। बुक्स लिखा हुआ है पेपर में, बुक्स। अबे तुम जैसे लोग ही आगे चल के देश में नकली नोट छापते हो। जा तो चेक भी नहीं करूंगा मैं, जा। कभी पानी भी नहीं देखा होगा जिंदगी में उसने। ए बॉडीगार्ड आ गया। सुसु कर गया, जा। अरे यार इधर से सुसु। अरे नहीं सर, मेरा दिल भरा हुआ है। ओ दिल भर, चल बैग दिखा। सर ये मैं पिचकारी। नहीं नहीं सर, ये पिचकारी नहीं है, ये असली बंदूक है। झूठ बोल रहा है सर। मम्मी कसम ये असली बंदूक है, पिचकारी से मैं पिचकारी लाऊंगा। अभी देखता हूँ। ये चलेगा बेटा, पिचकारी सुनिए अंदर। नहीं सर। गुड बॉय, ओबीडियंट स्टूडेंट। थैंक यू। गो गो फुल मार्क्स। हां ए सुनो रे स्कूल वासियों, आज स्कूल में पानी का नामो निशान तक नहीं है। अगर तुम में से किसी के पास भी एक बूंद पानी निकला ना, मां कसम सूखे स्विमिंग पूल में डुबा डुबा के मारूंगा, समझे? कुछ तो शातिरगिरी होगी भाई।
कुछ ना कुछ तो प्लान करा जाएगा भाई, रेगिस्तान बन गया है भाई पूरा स्कूल। पूरे स्कूल में 10-10 कोस तक पानी नहीं है, ये साला स्कूल है कि रेगिस्तान। अरे नहीं भाई, जा तू, मुझे पानी चाहिए, मैं मर जाऊंगा। भगवान अगले जन्म मुझे ऊंट बनाना ताकि ये दिन ना देखना पड़े। देखना एक दिन यहां से पानी निकलेगा, धरती माँ हमारी मदद कर सकती है। About 71% of the earth's surface is water. 60% of human body is made up of water. आज ब्लू है पानी पानी। सर सर बाजू water. अरे आग लगी है आग। क्या? आवाज बंद हो गई थी। अरे आग। सर सर बाजू Water. बाजू वाले क्लास में आग लगी, म्यूट क्यों किया हुआ है? अरे फायर होस चालू करो, फायर होस। फायर होस साले मैं तो भूल ही गया, स्कूल में तो पानी नहीं है, टंकिया खाली पड़ी है तो यार। हेलो रमेश। अरे स्कूल में आग लगी, पानी का टैंकर पे जल्दी। अरे तुमको क्या तंदूर होना है, अबे निकलो बाहर, बाहर जाओ। ये किसी ने जानबूझ के किया होगा पक्का। अजीब आग यार, सिर्फ धुआं निकल रहा है, गर्मी नहीं हो रही है। अरे यार प्लान था, मैंने बोला ना कोई प्लान करके कुछ तो कराए कांड। कल हम स्कूल में होली मना कर रहेंगे, वो भी पानी के साथ। पानी के साथ? अरे वो जल्लाद प्रोफेसर स्कूल में ह्यूमिडिटी नहीं रहने देता है, तू पानी कैसे लाएगा अंदर? पानी मैं नहीं लाऊंगा, पानी वो जल्लाद लाएगा, वो भी स्कूल के अंदर। वो कैसे? गर्ल्स कॉमन रूम। एक काम कर, सर को बोल आग लग गई। सर आग लग गई? अबे क्या दिल में आग लगी है क्या? अच्छी तरह चिल्ला के बोल, सर आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, सर आग लग गई। अरे स्कूल में आग लगी, पानी का टैंकर पे जल्दी। दिमाग है यार आशीष चलाने में, क्या क्रिएटर है यार भाई। You're the man, bro. चंचलानी, यो 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 यो, वड़ा 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 पीपल। गुड्डू भैया का भी वीडियो रेकमेंडेशन आ रहा, नाइस। वो 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 वो, व्हाट अ लवली वीडियो। आशीष चंचलानी भाई फुल फॉर्म में है यार, कसम से भाई, व्हाट अ ट्विस्ट, मजा आ गया भाई। पानी तो इस बार सरी लेके आएंगे, वेरी नाइस भाई, व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट, व्हाट अ नाइस वीडियो, एंड ऑफ कोर्स यस। अच्छा ये वीडियो बनाने का मेरा एक मेन इंटेंशन ये भी था गाइस कि मे बी आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनी होली व्लॉग, मैं अश्योरिटी नहीं ले सकता भाई आजकल अपने कंटेंट को लेके, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया सी वीडियो रिएक्ट करी जाए विच इज़ रिलेटेड टू होली। एंड अचानक से मुझे फ़ोन पे दिखा कि एक डेढ़ घंटे पहले आशीष चंचलानी ने होली पे एक वीडियो जस्ट अभी अपलोड किया। आई एम लाइक चलो फिर, होली पे व्लॉग नहीं आ सका तो क्या हो गया, होली पे रिएक्शन वीडियो तो डाल ही सकते हैं यार। सो खैर, अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए इस चैनल के साथ।
वी आर ग्रोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. जितना प्यार आप मुझे मेरे व्लॉग्स पे दे रहे हो, मेरे रिएक्शन वीडियोस पे दे रहे हो, उतना प्यार हर एक चीज पे बनाए रखिए. एंड स्टे ट्यून्ड, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर. प्लीज मिलते हैं अगले वीडियो में.